everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another topic of auditing, that is objectives of auditing, right? Basically we are having three kinds of objectives. First one is main objective, second one is subsidiary objectives, and the third one other objects, right? देखो मेन ऑब्जेक्टिव तो ऑडिटिंग का यही है कि आप नॉलेज गेन करेंगे अबाउट द करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट्स. देखो अल्टीमेट गोल ऑडिट करने का यही होता है कि आप चेक करो कि जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो करेक्ट है, फेयर व्यू दे रहे हैं आपके अकाउंट्स का या नहीं, क्या वो ट्रूथफुलनेस दिखा रहे हैं या फिर नहीं. ठीक है, अब ये चीज के इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स और वी कैन से सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. ठीक है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प इन अटेनिंग द मेन ऑब्जेक्ट, जो आपके मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ना आपके कुछ आते हैं, कैसे आप उसको हेल्प करोगे कि चेक करो करेक्टनेस है, फेयरनेस है, ट्रूथफुलनेस है या नहीं. आप चेक करेंगे कि क्या आपके अकाउंट्स में कोई एरर तो नहीं है, क्या आपके अकाउंट्स में कोई फ्रॉड तो नहीं है. इफ यस, तो आपको कैसे उसे प्रिवेंट करना है, ये सब चेक करें. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सबको. नेक्स्ट थर्ड आते हैं आपके अदर ऑब्जेक्टिव. इनके अलावा कुछ आपके ऑब्जेक्टिव है लाइक मेंटेनिंग मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज. आप अपने एम्प्लॉयज पर, अपने वर्कर्स पर मॉरली प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग, ताकि वो कुछ भी मैनिपुलेशंस ना करें. उनके माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि हमारे अकाउंट्स किसी भी टाइम ऑडिट हो सकते हैं, चेक हो सकते हैं, सो दैट हमें किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं करें. ठीक है, सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. कुछ गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, आप उन्हें फुलफिल करते हैं. एंड देन थर्ड वन इज लीगल कंप्लायंस. ठीक है, लॉ के द्वारा भी कुछ कंपल्शंस होती है कि आपको अपनी फर्म की ऑडिट करनी है, तो इन सब के लिए आपको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप चेक करिए, नॉलेज गेन करिए अबाउट द करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ योर अकाउंट्स. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स में डिटेक्टिंग एरर्स, कि एरर्स को कैसे कैसे डिटेक्ट करना है, कितने तरह के आपके एरर्स होते हैं. ठीक है, आपके एरर्स बहुत तरह के हैं, लाइक आपका एरर ऑफ ओमिशन है, राइट, एरर ऑफ कमीशन, आपके कंपेंसेटरी एरर्स होते हैं. तो अभी हम इन सभी एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कितने एरर्स हैं, फ्रॉड्स कितने टाइप के हैं, अगर आपको प्रिवेंट करना है तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है. ठीक है, चलो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट आता है आपका डिटेक्शन ऑफ एरर्स, राइट. डिटेक्शन ऑफ एरर्स में क्या कहा गया है कि मेजॉरिटी जो एरर है ना वो क्यों अराइज होते हैं, ड्यू टू द नेग्लिजेंस और लैक ऑफ नॉलेज. अब लैक ऑफ नॉलेज किसकी, जो भी पर्सन अकाउंटिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, अगर उसे नॉलेज नहीं है या तो तब एरर हो सकता है या फिर वो जानबूझकर कर रहा है ड्यू टू नेग्लिजेंसी, राइट. नेक्स्ट However, और कई बार क्या होता है, हम हालांकि इतनी इन डेप्थ स्टडी कर लेते हैं बट स्टिल हमें दिखता है कि कोई ना कोई छोटा सा एरर दिख जाता है हमें, है ना. तो बहुत ही क्लेवरनेस के साथ एरर कमिट किया जाता है और वो डेलिबरेटली होता है. ठीक है, और इतनी मतलब क्लेवरनेस के साथ किया कि आपको जल्दी से नहीं दिखेगा जब तक आप उसकी इन डेप्थ एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, राइट. तो यही कहा गया है, However, sometimes upon greater in depth examination it may come to light that some errors have been committed deliberately. कुछ errors आपके deliberately create किए जाते हैं. अब क्यों किए जाते हैं, with the intention of committing fraud. क्योंकि main aim क्या होता है कि इन्हें fraud करना होता है ना. Fraud करने के purpose से ही कुछ गलतियां की जाती है जानबूझकर, right? सम एरर्स इफेक्ट द ट्रूथफुलनेस. अब अगर आपके अकाउंट्स में कुछ एरर्स होंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और यही आपका मेन एम होता है ऑडिटिंग का. देखो ऑडिटिंग का मेन एम ही क्या है, कि आप चेक करें कि क्या आपके अकाउंट ट्रूथफुलनेस है, क्या आपके अकाउंट्स में एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है. बट अगर आपके अकाउंट्स में यही हैम्पर हो जाएगी तो आपका ऑडिटिंग करने का कोई भी पर्पस नहीं रह जाता. ठीक है, और कुछ हमारे जब भी कोई ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है ना तो उसके अपने माइंड में कुछ एरर्स को ध्यान रखना होता है, सो दैट उसे पता चल सके कि क्या आपकी जो ऑडिटिंग कर रहे हो आप अकाउंट्स को, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है. ठीक है, नंबर वन, एरर ऑफ
omission. Error of omission क्या होता है? Error of commission, compensatory errors, error of principles and last one is error of duplication. ठीक है, चलो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन क्या है, कमीशन, कंपेंसेटरी, प्रिंसिपल या एरर ऑफ डुप्लीकेशन होता क्या है. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन. देखो एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन क्या होता है कि आप कंप्लीटली एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं. ठीक है, आपने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया. सपोज मैं बोलती हूँ आपने सेल्स करी है ना, 4,000 रुपीज की आपने सेल्स करी है, बट आपने उस एंट्री को ना तो आपने लिखा किसको सेल करी है, ना आपने लिखा कितने रुपीज की सेल करी, मतलब टोटली आप उसे इग्नोर कर चुके. इग्नोर नहीं बोल सकते, भूल गए हैं गलती से, है ना. तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आता है, क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए ट्रायल बैलेंस में, बैलेंसिंग इक्वल होनी चाहिए. डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, राइट. अब डेबिट क्रेडिट तो इक्वल आएगा ना, क्योंकि आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी है, ना उसका इंपैक्ट डेबिट पे गया ना इसका इंपैक्ट क्रेडिट पर गया, बट है तो आपका एरर, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन रुक गई है. तो यही है आपका एरर ऑफ ओमिशन. क्या कहते हैं, व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड, आप पूरी तरह से भूल गए हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना. ठीक है, फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन सच एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन. ओमिट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली भूल जाना, है ना. एग्जाम्पल देखो क्या लिया हुआ है, वी परचेज गुड्स वर्थ ₹300, आपने कोई 300 रुपए का गुड्स खरीदे हैं रमेश से, ठीक है, बट डिड नॉट रिकॉर्ड द सेम इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो अल्टीमेटली होगा क्या, देखो इसकी एंट्री क्या बननी थी, चाहे बताओ आपने गुड्स परचेज करे हैं फ्रॉम रमेश, एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना, टू रमेश, कितने रुपीस की, 300, बट आपने ना तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है, ना आपने रमेश को क्रेडिट किया है, ना ही आपने अमाउंट्स कहीं पर रिकॉर्ड करी, क्योंकि आपने कंप्लीटली ओमिट कर दी, है ना. तो इस केस में जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा, क्योंकि 300 का इफेक्ट ना तो वो डेबिट में आया ना ही वो क्रेडिट में आया, बट हालांकि आपका बैलेंस तो हो रहा है आपका ट्रायल बैलेंस, बट स्टिल देयर इज एन एरर, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन. क्लियर, चलो सेकेंड क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है, या तो आपने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी है, या रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, या जब हम बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, उस टाइम पर आपने अमाउंट सपोज 1200 लिखना था, आपने 12,000 रुपीज लिख दिया, या तो आपकी कैरी फॉरवर्ड गलत होती है. ठीक है, आप कंप्लीटली रिकॉर्ड करना नहीं भूले हो, अगर आप कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए, दैट विल बी योर एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट हो गया. बट इफ वी टॉक अबाउट द एरर्स ऑफ कमीशन, इट मींस आपने एंट्री तो करी है, अब ये या तो वो एंट्री गलत हो गई है, या आपने पोस्टिंग गलत की है, या आपने उसकी बैलेंसिंग गलत की है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हुई है. ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं एरर ऑफ कमीशन होता क्या है. सच एरर्स अकर व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज होली, या तो कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीटली या फिर पार्शली रिकॉर्डेड रॉन्गली. देखो या तो कंप्लीट आपने रिकॉर्ड तो करी है, ठीक है, बट गलत रिकॉर्ड कर दी. अब गलत कैसे हो सकती है, तो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन गलत हो सकती है, मींस आपकी एंट्री प्लस अमाउंट दोनों गलत हो सकते हैं, या पार्शली गलत हो सकती है, मींस आपने एंट्री तो सही कर दी बट आपकी अमाउंट गलत हो सकती है. ठीक है, दीज एरर्स इंक्लूड, अब ये ध्यान देने वाली बात है, या तो आपने एंट्री गलत कर दी है, या फिर आपने जो टोटलिंग करनी थी आपकी वो गलत हो गई, या आपने पोस्टिंग गलत कर दी है, या फिर जब आपने कैरी फॉरवर्ड करना था वो आपके बैलेंसेस जो है फ्रॉम वन पेज टू अदर करते ना कैरी फॉरवर्ड्स, तो या तो आपके वो गलत हो गया. तो इस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन. क्लियर, चलो एक छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ वी परचेजेस गुड्स वर्थ ₹5400 एंड मेक एन एंट्री ऑफ ₹4500, आपने गुड्स परचेज किए 5400 के, है ना, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, और अमाउंट कितनी जानी चाहिए थी आपकी, 5400. बट आपने क्या किया है, एंट्री तो सही पोस्ट कर दी, जब बात आई अमाउंट की तो आपने 54 ना डाल के आपने क्या कर दिया, 4500.
अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना इस 4500 से, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका इक्वल आएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बोथ आर सेम ना हियर। तो बट आपकी अल्टीमेटली रुपीज कुछ अमाउंट का तो फर्क आ रहा है ना, तो इस टाइप के एंट्रीज को या इस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड वन, कंपनसेटरी एरर्स। देखो कंपनसेटरी एरर्स क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एरर्स होंगे, ठीक है, एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर के इफेक्ट के साथ कंपनसेट हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार रीड करते हैं, टू और मोर देन टू सच एरर्स यूजुअली अकर एट अ टाइम एंड इन सच अ मैनर दैट दे बैलेंस आउट, सबसे मेन है यहाँ पर दैट दे बैलेंस आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, मतलब दो या दो से ज्यादा एरर्स होते हैं यहाँ पर और दोनों ही एरर्स के जो इफेक्ट्स है ना वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं और अल्टीमेटली कोई भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता इसमें, राइट। सच एरर्स डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस इवन दो दे मे हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ट्रायल बैलेंस के ऊपर तो इनका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, बट इफ वी टॉक अबाउट द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के ऊपर तो देखो इनका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी दो पर्सन है आपके, चलो इसी से देखते हैं, मोहन्स अकाउंट इज डेबिटेड विद रुपीज 220। मोहन है और एक पर्सन आपका विनोद, ठीक है। मोहन का अकाउंट आपने क्या कर दिया 20, हालांकि करना कितना था 200, और विनोद का अकाउंट आपने कर दिया 200 और करना था आपने 20। देखो अल्टीमेटली ये क्या है आपका, जो आपने किया है और जो ये आपका एक्सपेक्टेड था, करना था 200 और कर दिया 20, इसमें करना था 20 और कर दिया आपने 200। अमाउंट्स में जो एक टोटल वैल्यू होती है उसमें तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा ना, टोटल में तो 220 आया आपका बोथ साइड्स में, है ना। तो यहां पर यही बोला गया गलती दोनों जगह हुई है, यहां पर भी हुई है और यहां पर भी हुई है, बट इन दोनों के इफेक्ट्स को क्या हो गया आपने कंपेंसेट कर दिया, ठीक है। देखो ऐसे हो गया ना, यहां पर डाल दे 200 तो आपने 200 यहां डाल दिए और यहां डाल दे आपने 20 और आपने 20 यहां डाल दिए, तो इनके एरर्स को क्या बोलते हैं कंपनसेटरी एरर्स, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इफ मोहन्स अकाउंट इज डेबिटेड विद रुपीज 20 इंस्टेड ऑफ 200 डालने थे और आपने डाल दिए 20, एंड इन विनोद्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ 20 डालने थे आपने 20, 200 आपने डेबिट कर दिया, इवन दो बोथ अकाउंट्स विल बी इनकरेक्ट, हालांकि है दोनों ही अकाउंट्स हमारे इनकरेक्ट, बट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो उसके टोटल पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अभी देखो इसका टोटल 220 आएगा, इसका भी 220, तो इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ रहा, हालांकि अकाउंट्स दोनों ही आपके इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के एरर्स को बोलते हैं कंपनसेटरी एरर्स, मींस दो या दो से ज्यादा जो एरर्स हैं उनके इफेक्ट आपके कंपनसेट हो जाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऐसे एरर जो अक्कर होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, मींस आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं थी, दैट्स व्हाई वो आपका एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब दीज एरर्स अक्कर्स ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, या तो आपको नॉलेज नहीं है, किसकी नॉलेज नहीं है, अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, या फिर कोई जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं आपको उनकी नॉलेज नहीं है, राइट। अब इसमें छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, आपने क्या किया है, लैंडलॉर्ड को 500 रुपीस पे करे हैं, ठीक है। अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, अब लैंडलॉर्ड को आप क्यों पे करोगे, एज अ रेंट ही जाएगा ना आपका, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हमने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को डेबिट कर दिया है इंस्टेड ऑफ रेंट अकाउंट, हमने यहां पर रेंट ना लिख के क्या लिख दिया है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, कि हमें नॉलेज ही नहीं है ना, डबल एंट्री सिस्टम का रूल ही नहीं पता, प्रिंसिपल्स को ही नहीं हम फॉलो कर पा रहे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है यहां पर। इस टाइप के एरर्स को बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं,
एरर ऑफ डुप्लीकेशन। देखो एरर ऑफ डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेट एंट्रीज करना मींस आप कोई एक ट्रांजेक्शन को डबल डबल टाइम्स रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना। सपोज अगर हम बोलते हैं आपने परचेजेस करी है तो परचेजेस के अमाउंट को टू टाइम्स रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में आप दो बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट विल बी कंसिडर एज अ डुप्लीकेशन एरर। ठीक है, चलो एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है। Such errors usually occur when same transaction, क्या बोल रहे हैं, जब आपकी सेम ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो जाती है ट्वाइस इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इज ऑल्सो पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। जब कोई भी ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन दो बार प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाए या फिर पोस्ट हो जाए दो बार लेजर में, उस पर्टिकुलर एरर को बोला जाता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। राइट, अब छोटा सा एक एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि आपने क्या बोला रुपीज 1000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, आपने क्या करा है, रिसीव करे हैं फ्रॉम मोहन कितने रुपीज 1000 रुपीज। ठीक है, एंड द सेम एंट्री इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसकी एंट्री क्या होगी, आपकी रिसीव करे ना आपने कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, राइट, कितने रुपीज आ जाएगा आपका 1000। अब क्या कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, सेम एंट्री को दो बार रिकॉर्ड कर देंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इज ऑल्सो पोस्टेड ट्वाइस इन मोहन अकाउंट। देखो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इसको दो बार रिकॉर्ड करें, कैश टू मोहन, और जब आप मोहन का सेपरेट अकाउंट बनाओगे, उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वहां पर भी आप जो 1000 रुपीज है उसे दो बार रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, सच एन एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट एंट्रीज कर रहे हो। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, देखो ये आपका आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या होते हैं। राइट, बेसिकली वी आर हैविंग थ्री ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट क्या था आपका, मेन ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि मेन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करेक्टनेस को चेक करना, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस को चेक करना, किसकी, अकाउंट्स, है ना। अब इस चीज को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसके अंदर फर्स्ट था हमारा डिटेक्शन ऑफ एरर्स, सेकेंड था आपका डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड द थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, है ना, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स। और डिटेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर हमने बेसिकली पांच टाइप्स के एरर्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट था आपका एरर ऑफ ओमिशन, जिसके अंदर क्या था कि आप पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, सेकेंड क्या था आपका, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड क्या था आपका, कंपनसेटरी एरर्स। फोर्थ एरर ऑफ, आई थिंक एरर ऑफ प्रिंसिपल, यस, एंड द फिफ्थ वन इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, और उसके बाद एक थर्ड पार्ट आएगा इसका, जिसके अंदर हमें अदर ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।